गुड मॉर्निंग सम स्टूडेंट्स, हम कबीर का अध्ययन कर रहे थे तो कबीर दास की अगली साखी इस प्रकार है। देखिए, चिंता तो हरि नाम की और न चितवई दास, जे कछु चितवई राम बिन सोही काल की पास। तू तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बल गई जित देखो तित तू। चक भी बिछड़ी रैन की आई मिले पर भाती, जे जन बिछड़े राम सु ते दिन मिले ना राति। चिंताए चिंतन, चितवई मन चिंतन करना, पास मिस बंधन। चिंता तो हरि नाम की, कबीर दास जी कह रहे हैं कि यदि मुझे संसार में किसी चीज़ की चिंता है तो वह है भगवान के नाम के स्मरण की। और न चितवई दास, यह तुम्हारा दास अन्य किसी का चिंतन नहीं करता। ईश्वर का दास केवल ईश्वर के नाम का ही चिंतन करता है, वह और किसी के बारे में चिंतन करने की सोच भी ही नहीं सकता। जो कछु चितवई राम बिन सोही काल की पास, क्योंकि जो व्यक्ति राम को छोड़कर, राम के नाम को छोड़कर अन्य चीज़ों का, अन्य विषयों का चिंतन करते हैं, सोही काल की पास, वे काल के बंधन में जकड़े जाते हैं, वे काल के पास में बंध जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो श्री राम के नाम का चिंतन करते हैं उनका ही जीवन सफल और सार्थक होता है, वे ही काल के बंधन से बच पाते। काल के बंधन से बचने का मतलब यहाँ यह नहीं है कि वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होते, कहने का मतलब ये है कि उनका जीवन सार्थक हो जाता है, उनका जीवन सफल हो जाता है। और जो व्यक्ति भगवान के नाम के अतिरिक्त अन्य विषयों का चिंतन करते हैं वो दुखी होते हैं और वो पीड़ित होते हैं। तू तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बल गई जित देखे तित तू। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तू तू करता हुआ, अर्थात भगवान के नाम को याद करता हुआ, मुझ में रही न मैं भी ईश्वरी रूप हो गया। तू तू करता मतलब तू तू ही है, तू ही है। इस प्रकार ईश्वर के बारे में चिंतन करते हुए मैं स्वयं ईश्वर के समान हो गया हूँ, ईश्वर रूप हो गया हूँ। बारी फेरी बल गई जित देखे तित तू, बारी फेरी बली गई, मैंने अपना जो अपनापन था, मेरा जो अहम था, उस सब को मैंने तुम्हें बलियारी कर दिया, अर्थात तुम्हें अर्पित कर दिया है। अब तो मैं मात्र ईश्वर पर ही बलियारी जाता हूँ। जित देखो तित तू, जब मैंने अपने अंतर्गत ऐसा भाव धारण किया कि इस संसार में जो कुछ भी है वह तुम्हारा ही रूप है, तो अब तो मुझे तो पृथ्वी के कण कण में तुम ही दिखलाई देते हो। जित देखो तित तू, अर्थात मैं जिधर भी देखता हूँ उधर मुझे मात्र तुम ही दिखलाई देते हो। अगली व्याख्या देखिए, चकवी बिछड़ी रैन की आई मिले पर भाती, जे जन बिछड़े राम सु ते दिन मिले ना राति। चकवा पक्षी के बारे में मतलब है कि जो चकवा पक्षी है, चकवा पक्षी का जो जोड़ा है वो रात्रि को बिछुड़ जाता है और दिन में मिल जाता है। तो उस दृष्टांत के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के संबंधों के बारे में क्या बतलाया। देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि चकवा और चकवी रात को अलग हो जाते हैं। चकवी अपनी प्रिय से रात को बिछड़ कर सुबह होने पर आ मिलती है। चकवी बिछड़ी रैन की, है चकवी अपने प्रियतम से रात को, रैन की मानी रात को बिछड़ी हुई, आई मिले परवाती सुबह होने पर आ मिलती है। लेकिन जे जन बिछड़े राम सु ते दिन मिले ना राती। लेकिन जो व्यक्ति भगवान से बिछुड़ जाता है, उनसे अलग हो जाता है, वह ना दिन में मिलता है ना रात में। कहने का मतलब यह है कि जब हम अपने बुरे कर्मों के कारण ईश्वर के नाम का चिंतन नहीं करते हैं और हम ईश्वर के द्वारा बनाए गए नियमों को, बंधनों को तोड़ते हैं तो हम भगवान से अलग हो जाते हैं। तो ऐसा इंसान कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाता है और वह हमेशा बंधन में ही बंधा रहता है। बहुत दिनन की जोबती बाट तुम्हारी राम, जिव तरसे तुझ मिलन को मन नाहीं विश्राम। ये तन जारो मसी करू लिखो राम को नाम, लेखनी करू करंकनी लिख लिख राम पठाए।
हेतन जालो मसीह बहुत दिनन की जोबती राम बाट तुम्हारे राम। यहाँ आत्मा परमात्मा से क्या कह रही है देखिए, कबीर ईश्वर के भ्रम में दुखी है, उस भ्रम में उनकी जो वेदना है वह अवर्णनीय है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि मेरी आत्मा बहुत दिनन की जोबती बाट तुम्हारी राम, हे श्री राम तुम्हारे आने का जो रास्ता है उसे की बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रही है, जोबती देख रही है प्रतीक्षा कर रही है, हे श्री राम मेरा चित्त तुमसे मिलने के लिए तरस रहा है, जिब तरसे तुझ मिलन को, तुझ मिलन के हे भगवान तुमसे मिलने के लिए मेरी जो जीवात्मा है वह तड़प रही है, मन नाही विश्राम और मेरे मन में भी अल्प मात्र भी चैन नहीं है। दोबारा देखो, बहुत दिनन की जोबती बाट तुम्हारी राम, हे श्री राम तुम्हारे आने का मार्ग बहुत दिनों से मेरी जीवात्मा देख रही है, जिब तरसे तुझ मिलन के, और मेरी जीवात्मा तुमसे मिलने के लिए तड़प रही है और मन में विश्राम नहीं है। यह तन जालो मसीह करो लिखो राम को नाम, लेखनी करो करण करी लिख लिख राम पठाए। मेरा ऐसा मन करता है कि क्योंकि जो भय जनित पीड़ा है इसको मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मेरा ऐसा मन करता है इससे छुटकारा पाने के लिए कि मैं शरीर को जला डालूं और उसकी भस्म से स्याही बनाऊं। यह तन जालो मसीह करो, इस शरीर को जला डालूं और उससे जो भस्म है उसको मैं स्याही के रूप में बना लूं। लिखो राम को नाम और लेखनी करूं करंकरी, और मेरी जो हड्डियां हैं करंकरी, मेरी जो हड्डियां हैं उनकी क्या बना लूं, लेखनी बना लूं, और उसकी सहायता से देह की भस्म से बनी स्याही से राम का नाम लिख लिख करके ईश्वर के पास प्रेषित कर दूँ। लिख लिख राम नाम कि राम का नाम लिख लिख करके मैं उनके पास भेजूं, ताकि मेरी इस दयनीय अवस्था पर चिंतन करके वो मुझसे मिलने के लिए आ जाए। कहने का मतलब यह है कि मैं अपना तन मन धन सब कुछ ईश्वर को अर्पित कर दूं, ताकि वो मुझ पर दया करके मुझसे मिलने के लिए आ जाए। अगली है, हंसी हंसी कंत ने पाइए जिन पाए तिन रोए, जो हंसे ही हरी मिले तो नहीं दुआगनी कोई। ये साखी भ्रह के अंग से ली गई है और इसमें कबीरदास जी ने ये कहा है कि ईश्वर की प्राप्ति सहज में ही प्राप्त नहीं होती, उन्हें प्राप्त करने के लिए उनके वियोग को भी सहन करना पड़ता है। वो कबीरदास जी कहते हैं कि हंसते हंसते तो किसी ने अपने स्वामी को प्राप्त नहीं किया है, हंसी हंसी कंत ने पाई, कंत मनी स्वामी को हंसी हंसी मनी से हर्ष तो किसी ने प्राप्त नहीं किया है। जिन पाए तिन रोए, जिनको भी ईश्वर की प्राप्ति हुई है उन्होंने रो रो कर ही अर्थात कष्टों को सहन करके ही उन्हें प्राप्त किया है। यदि हंसते हुए जो हंसे हरी मिले, यदि हंसते हुए अर्थात अन्यास या सहज रूप से ही हरी मणि परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो नहीं दुआगनी कोई। तो इस संसार में कोई भी दुर्भाग्यशाली नहीं होता या कोई भी सुहाग रहित नहीं होता। कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार पत्नी में पति के प्रति जैसा स्नेह होता है, प्रेम होता है, लगाव होता है, उसी प्रकार का लगाव ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भी अनिवार्य है। इसके बिना हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि यूँ ही ईश्वर मिल जाता तो सभी जीवात्माएं ईश्वर को प्राप्त कर लेती, लेकिन उन्हीं जीवात्माओं को ईश्वर की प्राप्ति हुई है जिन्होंने उनका वियोग सहन किया है। कै ब्रहणी को मीच दे के आपा दिखलाए, आठ पैर को दाजना मुँह पे सहा न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि हे भगवान, या तो इस प्रियतम परमात्मा, ईश्वर के लिए कहा, या तो हे प्रियतम परमात्मा तुम मुझे मीच दो यानी मृत्यु दे दो, हे प्रियतम परमात्मा या तो इस भृणी आत्मा को तुम क्या कर दो, मीच दे मन मृत्यु दे दो, कहे आप आ दिखलाए या आप आकर के दर्शन दे दो। आठ पैर का दाजना मुँह पे सहा न जाए, क्योंकि आठों पैर का जो वियोग है, जो संताप है, इसको अब मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि
वह परमात्मा न तो दर्शन देता है न मृत्यु देता है। ऐसी स्थिति में गृहिणी आत्मा आठों पैर दुख से पीड़ित रहती है और यह पीड़ा अब मैं सहन करने योग्य नहीं हूँ, इसलिए या तो मुझे मृत्यु दंड दे दो अथवा तुम आकर के मुझे दर्शन दे दो। पर्वत पर्वत में फिरा नैन गवाए रोए, सो बूटी पावी नहीं जाते जीवन होए। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं चारों ओर पर्वत पर्वतों पर घूमता फिरा रहा फिरता रहा, उसे खोजता रहा, नैन गवाए रोए, और मैंने उनके वियोग में अर्थात उन्हें प्राप्त न करने के कारण रो रो कर अपने नेत्रों को भी गवा दिया। सो बूटी पाई ही नहीं जाते जीवन हुए, लेकिन मैंने उस औषधि को आज तक भी प्राप्त नहीं कर पाया जिससे कि मृत जैसे जीवन में नया जीवन प्राप्त हो जाए। कहने का मतलब यह है कि मैंने ईश्वर प्राप्त करने का उपाय जानने के लिए बड़े बड़े पंडितों साधकों शास्त्रज्ञों के पास में गया, किंतु मुझे किसी से ईश्वर प्राप्त करने का उपाय ज्ञात नहीं हुआ, अर्थात किसी ने भी मुझे ईश्वर को प्राप्त करने का उपाय नहीं बतलाया। और ईश्वर को प्राप्त किए बिना मेरी जो स्थिति है वह अवर्णनीय है, मैं मृत के समान हो गया। देखा, सो बूटी पाई नहीं जाते जीवन, इसलिए उस जड़ी बूटी को मैंने आज तक प्राप्त नहीं किया है जिससे कि मैं जीवन में पुनः चेतना प्राप्त कर सकता था। मेरे जीवन में पुनः यदि चेतना आएगी तो वह ईश्वर की प्राप्ति से ही संभव